हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीएफओ इंटरनेट में। आज है 26 नवंबर। आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छाए हुए कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आप सबके लिए। टीटी की जो परीक्षा होने वाली है 28 नवंबर को, परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर रोक लगी हुई है। कल जो है लाइव मॉनिटरिंग, पहली बार लाइव सीसीटीवी के माध्यम से परीक्षा केंद्र पर रखी जाएगी नज़र। तो आप लोग जो है ज़्यादा चहलकदमी मत करिएगा, नहीं तो बाहर हो सकते हैं। देखिए, केंद्र व्यवस्थापक जो है रहेंगे और स्टैटिक मजिस्ट्रेट ही ले जा सकते हैं बिना कैमरे का कीपैड वाला फ़ोन, उनको भी अलाउ नहीं है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पहले दिन 195 अभ्यर्थियों ने लिया प्रवेश बीकॉम में, जबकि एलएलबी में एक से होगा प्रवेश। बीएड में नीतिका और एमएड में रणबीर टापर रहे हैं इलाहाबाद 21-22 के लिए। और 33,000 अभ्यर्थी परीक्षा में होंगे शामिल, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती होने वाली है। एक अभ्यर्थी का चयन निरस्त हो गया। सूबे में अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 28 नवंबर को होगी। ये भी परीक्षा में तकरीबन 33,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। तीसरे अंतिम चरण की लिखित परीक्षा में जो है 47 विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती होनी है। टीटी परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी को स्मार्टफोन भी नहीं ले जाना है। तो स्मार्टफोन तो आपका बाहर जमा हो जाता है, तो आप सेंटर तक तो ले ही जा सकते हैं, इससे आपको दिक्कत नहीं होगा। अब प्रचार के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष तय। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस, देखिए एक नया कंडीशन आ गया है, पीसीएस 2021 के तहत प्रधाना 4 जीआईसी पद के लिए जो निर्धारित आयु सीमा को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। आयोग ने के सचिव जगदीश की ओर से जारी शुद्धि प्राप्त के अनुसार प्रधानाचार्य राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज बालक या बालिका पद के लिए अभ्यर्थी को 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम आयु 30 वर्ष अवश्य पूरी कर लेनी होगी। 30 वर्ष आपको होना चाहिए, आप फॉर्म तभी भर पाएंगे। फॉर्म जो आया हुआ है 972 पदों पे वैकेंसी आई हुई है, तभी आप भर पाएंगे। और नीट का सॉल्वर गैंग जो है बिहार से कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, कई लोग पकड़े जा रहे हैं। मास्टरमाइंड पीके को लेकर पुलिस ने पटना के कई स्थानों पर दी है दबिश। भर्ती का झांसा देकर लाखों बैठने वाला पूर्व जवान दबोचा गया। महिलाओं के लिए पहली बार रोजगार मेला, 400 को नौकरी। कौशल विकास के थ्रू शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग की ओर से गुरुवार को विभिन्न ट्रेडों में आईटीआई पास महिलाओं के लिए रोजगार जो है मिला है। एकेटीयू का 19वां दीक्षांत समारोह जो है 16 दिसंबर से शुरू होगा। छात्र छात्राओं को 53,226 डिग्रियाँ जो है बांटी जाएंगी। इसमें स्नातक में सर्वोच्च अंक पाने वाले को अब मिलेगा हर प्रसाद गुप्त स्वर्ण पदक। काशी विद्यापीठ के कार्य परिषद ने लिया निर्णय। सालाना और सेमेस्टर फीस 3 से 4 समान किस्तों में लें।
इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर कॉलेज छात्रों को से एक साथ फीस लेने का दबाव नहीं डाल सकते। ये अच्छी बात है हम लोग सब के लिए, विद्यार्थियों के लिए जो है छूट मिलेगी। पुरानी पेंशन व भत्ते बहाल करे सरकार। पुरानी पेंशन व भत्ते बहाल करने की मांग को लेकर बृहस्पतिवार को राज्य कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। तो टीटी वाला है प्रयागराज उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा 2021 को लेकर बृहस्पतिवार को जो है दो पालियों में होगी परीक्षा। आप सब तो जानते ही हैं। लेखपाल की काली कमाई का हिसाब करेगी एसटीएफ। अब लेखपालों के लिए भी खतरा है, उनका जांच जो होगा, सैलरी का उनका ब्यौरा जो है मांगा जाएगा। एसटीएफ के मुताबिक जो है लेखपाल के आवास की कीमत करीब 5 करोड़, 4 लग्जरी गाड़ियां भी मिली, नियुक्ति में भी संदेह। जो लेखपाल जो है पकड़ा गया था भर्ती कराने धांधली मामले में यूपीएसआई में, तो उसका जो है गोरखपुर में उसका जांच होगा। छात्रों को देंगे मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा। डीआईओएस कार्यालय से 200 छात्राओं को की भेजी गई है सूची। टैबलेट भी देंगी संस्थाएं। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद चयनित छात्राओं के संस्थाएं टैबलेट भी देंगी। बदली सोच तो बढ़ गया जिले का लिंग अनुपात। जागरूकता और अवैध जांच केंद्रों पर नकेल का दिखने लगा असर। रोजगार सेवकों ने नहीं किया काम, बिना हस्ताक्षर के हो गया भुगतान। शैक्षिक विकास के लिए तय करें प्राथमिकताएं। माध्यमिक शिक्षा विभाग की योजना की समीक्षा में डीएम ने दिए निर्देश। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति अटकी हुई है। यूपीएससी प्रवक्ता के लिए 124 एलडी ग्रेड शिक्षकों के 75 पदों पर होनी है नियुक्ति। सबका जो है अटका हुआ है। निदेशालय का पोर्टल ना खुलने के कारण विद्यालय आवंटन जो है अभी नहीं हो पाया है, तो जल्द ही होगा। इलाहाबाद विद्यालय के लिए नीतिका और एमएड प्रवेश परीक्षा में रणवीर ने किया था टॉप, तो आपको बता चुका हूँ। अंतिम चरण में 33,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मृतक शिक्षकों के आश्रितों को लिपिक पद पर नियुक्ति देने की तैयारी। जो है जिनके मृतक आश्रित पर भर्ती होने वाली है। पंचायत चुनाव में कोरोना संक्रमण में जान गंवाने वाले प्रतिष्ठित शिक्षकों को आश्रितों को जल्द ही लिपिक पद पर नियुक्ति मिलेगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने तेज कर दिया है योग्यता के अनुसार मिली नियुक्ति। तो ये अच्छी बात है भाई आप सबके लिए। देखिए सचिश चंद्र द्विवेदी बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने जानकारी दी है। तो आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा अपडेट के लिए चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।